मूवी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के एक जंगल से। वो एक रिजर्वर होता है जहाँ कुछ हंटर्स रात के अंधेरे में जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। वो शूट करके कुछ जानवरों को मार देते हैं। उनमें से एक आदमी पैरों का निशान फॉलो करते हुए थोड़ा आगे जाता है कि तभी पीछे से उस पर एक जानवर हमला कर देता है। उसे ढूंढता हुआ जैसे ही एक और आदमी आता है, वो जानवर उसे भी मार देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर नेट, जिनकी वाइफ की अभी अभी डेथ हुई है, उन्हें अपनी दो बेटी मेरीदीत और नोरा के साथ साउथ अफ्रीका वापिस आते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने फैमिली फ्रेंड मार्टिन से मिलते हैं और मार्टिन उन्हें एक घर में रहने के लिए ले जाता है। रात को सब मिल के बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वो सब मिल के वहाँ का रिजर्वर देखने जाते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट मार्टिन मैनेज करता है। वहाँ वो बांजी नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि मार्टिन के रिजर्वर में काम करता है। मार्टिन को देख के उसके लायंस खुश होते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। तभी मार्टिन देखता है कि नंदी नाम की एक लायंस के पैर में चोट लगी है जिस कारण वो उसके पास नहीं आ रही। मार्टिन को समझ आता है कि वहाँ कोई तो हंट करने आया था जिसने नंदी पे गोली चलाया था और उसके पैर में गोली लग गई। हो सकता है कि मूवी की शुरुआत में जिन हंटर्स को हमने देखा था उनकी ही गोली नंदी को लगी है। मार्टिन जल्दी से बांजी को नंदी के इलाज का बंदोबस्त करने के लिए भेज देता है और खुद बाकी सबको लेकर पास के एक विलेज में जाता है और वो बस्ती पूरा खाली होता है। घर टूटा हुआ होता है और एक घर के अंदर उन्हें लोगों के डेड बॉडीज मिलते हैं। वो लोग डर जाते हैं। नेट को लगता है कि ये सब लायन ने किया है तो मार्टिन बताता है कि लायन ऐसा नहीं करते, जरूर कुछ गड़बड़ है। मार्टिन मदद के लिए बांजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर हो नहीं पाता। वो लोग जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। मार्टिन बताता है कि उस गांव में 15 फैमिलीज थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे एक साथ गायब हैं? जाते टाइम गाड़ी के सामने उन्हें उसी विलेज का एक आदमी खून से लथपथ मिलता है। वो कुछ बताने की कोशिश करता है पर उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी उन्हें पीछे से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। मार्टिन नेट को उस आदमी का मरहम पट्टी करने का कह के खुद बंदूक लेकर जंगल के अंदर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद पीछे से उस पर एक बहुत ही खूंखार लायन हमला कर देता है। अब ये वही मूवी के शुरुआत वाला जानवर होता है। मार्टिन उस पर गोली चलाता है। उधर नेट अपनी दोनों बेटी को कार के अंदर बैठने का कह के खुद उस आदमी का बैंडेज करने जाता है पर देखता है कि वो आदमी अब मर चुका है। तभी उसे मार्टिन की गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है तो वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मार्टिन को आवाज लगाता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इतने में वो लायन नेट पे भी हमला कर देता है तो वो भागता हुआ गाड़ी के अंदर घुस जाता है। लायन अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उससे बचने के लिए मेरीदीत हड़बड़ी में गाड़ी चला देती है और एक पेड़ से टकरा के उनकी एक्सीडेंट हो जाती है जिससे गाड़ी खराब हो जाती है और वो तीनों वहीं फंस जाते हैं। तभी मार्टिन रेडियो के थ्रू उन्हें कॉन्टेक्ट करता है और बताता है कि वो इंजर्ड है, पानी के बीच एक पेड़ के नीचे बैठा है। वो लायन उसके बिल्कुल सामने है पर पानी के कारण वो मार्टिन को कुछ नहीं कर पा रहा। मार्टिन उन्हें वहाँ वेट करने के लिए कहता है जब तक कोई रेस्क्यू करने के लिए ना आए, पर मार्टिन की हालत सुनकर नेट गाड़ी में रखा एक और बंदूक निकाल के उसे रेस्क्यू करने का डिसाइड करता है। मार्टिन रास्ता गाइड करता है तो वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के आसपास देखता है पर नेट को समझ नहीं आता तो मेयर चेक करने के लिए बाहर निकलती है। लेकिन तभी वो लायन आ जाता है और नेट पे हमला कर देता है। वो जल्दी से गाड़ी के नीचे चला जाता है। लायन बहुत कोशिश करता है उसे पकड़ने का और बार बार अटैक करता है, गाड़ी को धक्का मारता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद लायन गाड़ी के नीचे घुसने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ से नोरा एक बेहोशी की दवा लायन को इंजेक्ट कर देती है जिससे वो वहां से भाग जाता है। मौके का फायदा उठा के मेयर मार्टिन तक पहुंच जाती है और उसे गाड़ी के अंदर ले आती है। वो तीनों मिल के उसका इलाज करते हैं। शाम हो जाती है और तभी कुछ दूर मेयर लायन को देखती है। उस पे दवा का कोई असर नहीं होता पर इस बार लायन अटैक नहीं करता और वहां से चला जाता है। रात को सब गाड़ी के अंदर ही रुकते हैं और मदद के लिए किसी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं रेडियो के थ्रू। उनके पास अब खाने का कुछ नहीं होता, पानी लिमिटेड होता है। वो लोग गाड़ी
गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं और सपने में अपनी वाइफ को देख के नेट अचानक से रात को जाग जाता है। उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है तो वो हॉर्न बजा के उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। वो सब कुछ लोकल बॉयज होते हैं और 5,000 अमेरिकन डॉलर्स के बदले में उन्हें मदद करने के लिए मान जाते हैं, पर वो सब बहुत अग्रेसिव होते हैं और नोरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी लायन आकर उन पे हमला कर देता है और कुछ लोगों को मार देता है। तो डर के मारे वो लोग अपना एक वैन वहीं छोड़कर दूसरा लेकर भाग जाते हैं। नेट उस वैन के अंदर चेक करता है पर चावी नहीं होती, तो वो चावी ढूंढने के लिए बाकी सबको अपनी गाड़ी के अंदर सेफ रहने का कह के खुद आगे बढ़ता है और लायन को अपने सामने देख के छुप जाता है। तभी उसकी बेटी रेडियो के थ्रू उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है तो रेडियो की आवाज के कारण लायन नेट की तरफ बढ़ने लगता है। नेट उस रेडियो को फेंक के खुद एक झाड़ी के अंदर छुप जाता है और लायन आवाज को फॉलो करते हुए रेडियो के पास आकर उसे तोड़ देता है। लायन बिल्कुल नेट के ऊपर होता है और नेट कोई आवाज ना करके बिल्कुल शांत छुपा रहता है। इधर कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण और रेडियो से लायन की आवाज सुन के मेयर समझ जाती है कि उसके फादर खतरे में है, तो वो गाड़ी का हॉर्न बजा के लायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिस कारण लायन वहां से चला जाता है और नेट बच जाता है। फिर नेट पास ही एक आदमी को मरा पड़ा देखता है जिसके पास उस वैन का चावी होता है और उसकी रेडियो यूज करके नेट अपनी बेटी को बता देता है कि वो सेफ है। लायन अब मार्टिन के गाड़ी पर हमला करके मेयर को इंजर्ट कर देता है तो मार्टिन उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, पर लायन गाड़ी को धक्का मारने लगता है तो मार्टिन नोरा और मेयर को गाड़ी के दूसरे तरफ से निकल के पास खड़े वैन में जाने के लिए कहता है। वो दोनों वैसा ही करते हैं और तभी धक्का मारने के कारण मार्टिन लायन और गाड़ी के साथ नीचे खाई में गिर जाता है। मार्टिन गाड़ी के अंदर जिंदा होता है तो लायन उठ के उस पे अटैक करता है और मार्टिन गाड़ी में आग लगा के उसे ब्लास्ट कर देता है ताकि उसके साथ साथ लायन भी मर जाए। ऊपर नेट अपनी बेटियों के पास आ जाता है और मार्टिन के लिए दुखी होता है। इंजर्ड होने के कारण मेयर की हालत खराब होने लगती है। अब सुबह हो जाती है तो नेट जल्दी से वैन में उन दोनों को लेकर वहां से निकलता है और एक खाली घर में जाता है। वहां नेट और नोरा मेडिकल बॉक्स ढूंढते हैं पर नहीं मिलता। एक एल्कोहल की बोतल मिलती है जिसे नेट मेयर के घाव पर लगा देता है इन्फेक्शन रोकने के लिए। अब नेट नोरा को मेयर के पास छोड़ के खुद घर के दूसरे तरफ जाता है मदद की सामान ढूंढने के लिए और इधर वो लायन वापिस आ जाता है, मतलब कि वो अब तक मरा नहीं था। मेयर उसे देख लेती है और दोनों एक जगह छुप जाते हैं पर लायन उन्हें ढूंढ लेता है तो दोनों चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुन के नेट भागता हुआ आता है और शूट करके लायन को भगाता है। फिर नेट नोरा और मेयर को एक रूम के अंदर बंद करके खुद लायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लायन के साथ उसकी फाइट होती है। नेट लायन पे चाकू से वार करता है पर लायन को कुछ असर नहीं होता और वो बहुत बुरी तरीके से नेट को घायल कर देता है। वो नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां मार्टिन के जो अच्छे लायंस थे वो सब आ जाते हैं और उस बुरे लायन को दो लायन मिलकर रोकते हैं और अब उन लायंस के बीच फाइट होती है। इतने में वहां बांजी आ जाता है और बुरे लायन को मार के उन सबको रेस्क्यू कर लेता है। फाइनली वो तीनों बच जाते हैं। नेट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उनका इलाज चल रहा होता है। मेयर और नोरा उसका ख्याल रख रहे होते हैं। एंड में हम देखते हैं कि नेट ठीक हो गया है और वो तीनों बाप बेटी मिल के रिसर्वर के अंदर एक फोटो लेते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।